रानी लक्ष्मीबाई भारत की स्वतंत्रता सेनानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपंत तांबे और मां का नाम भागीरथी बाई था। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहते थे। रानी लक्ष्मीबाई मार्शल आर्ट, तलवारबाजी और घुड़सवारी में प्रशिक्षित थी, जो उस समय महिलाओं के लिए असामान्य कौशल थे। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का एक बेटा था जिनका नाम दामोदर राव था। 1853 में रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने व्यपकंत सिद्धांत के तहत उनके दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए पुत्र को मान्यता देने से इनकार कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के भारतीय विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने महज 29 साल की उम्र में अंग्रेजों से युद्ध किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने महल की सोने चांदी की वस्तुएं तोप के गोले बनाने के लिए दे दिए थे। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीते जी अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।